आज पूरा आदिवासी समाज चाईबासा में आंदोलन कर रहा है कि बिरसा मुंडा की प्रतिमा को रांची में तोड़ा गया, इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। और आज बिरसा सेना और आदिवासी दूसरे संगठन जितने चाईबासा में हैं, सब एकजुट होकर बिरसा मुंडा के लिए एकजुट हुए हैं। और आज उनका एक ही डिमांड है कि जो जिन असामाजिक ताकतों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा खोकर रांची में तोड़ा है, उसको अविलंब तत्पर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए और उसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस पर चलाया जाए। बीजेपी सरकार और राज्य सरकार, उन सबको होश लाने की जरूरत है। जो सोई हुई सरकार है, जो कहती तो है कि आदिवासी का विकास कर रहे हैं, लेकिन आज आदिवासी का इतिहास खत्म करने पर जुझारू रूप से लगी हुई है। आज आप देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा ही नहीं, उसके पहले सिद्धू कानू और बुद्ध भगत की प्रतिमा को भी तोड़ा गया। तो यह क्या है? यह आदिवासी के अस्तित्व, उसके इतिहास पर प्रहार है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और राज्य सरकार और रघुवर सरकार से अपील करते हैं कि तुरंत उन असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाए। जय बिरसा, आदिवासी एकता जिंदाबाद। बिरसा मुंडा का कोकर स्टेच्यू तोड़ा गया है, ये कोई नई बात नहीं है। उसके पहले लेनिन का भी तोड़ा है, वीर बुद्ध भगत का भी तोड़ा है। इस तरह से एक विचारधारा को तोड़ने का कोशिश की जा रही है। उन्हों को ये पता नहीं है कि केवल मूर्ति तोड़ने से उसका विचारधारा खत्म हो जाएगा। उसका विचारधारा है, रहेगा, और हम लोग बिरसा का विचारधारा को आगे की ओर ले जाएंगे। उन लोग का जो मानसिकता है, वो मानसिकता को हम लोग आगे आने नहीं देंगे। हम लोग उस पर हावी होने नहीं देंगे। ये हम लोग का संकल्प है और इसी के साथ वीर बिरसा मुंडा अमर रहे। पूरे समुदाय का अपमान है, इसलिए हम लोग इस अपमान को नहीं सहेंगे। हम लोग इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से रघुवर सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि जितना भी दोषी हो जल्द जल्द पकड़ाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बस इतना ही अभी जी वो रांची में बिरसा मुंडा का प्रतिमा को तोड़ा गया है, इससे अभी स्पष्ट होता है यहाँ के जितने भी बाहरी लोग हैं और मानववादी विचारधारा के लोग हैं, अभी उन समझ रहे हैं कि यहाँ का आदिवासी को कैसे मानसिकता को तोड़ना, जो अभी है नियम कानून है उसको कैसे तोड़ना, कैसे दबाना, ये किसी बहुत ही अलग अलग तरीके से आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी हम आदिवासी उसमें से हम कुछ ये होने वाला नहीं है। आगे हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और हक के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। हमारे आदिवासी समुदाय बिरसा मुंडा जी भी लड़ते आया अंग्रेजों से और इन गुलामकर्ताओं से लड़ते आया। आज भी हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग का हक सही मायने में नहीं मिलता है। और जो भी उसका प्रतिमा को तोड़ा है उसको सरकार अविलंब गिरफ्तार करे, अन्यथा हम आदिवासी आगे और उग्र आंदोलन कर सकते हैं। धन्यवाद। बंद करो।